अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेज़निक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 44 क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन एंड द बिग बैंग प्रॉब्लम 8 है। वो कहता है पॉजिटिव टाउ है जिसकी एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी 1777 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मूव कर रहा 2200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, काइनेटिक एनर्जी सर्कुलर पाथ में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1.2 टेस्ला की लगी हुई है, हमसे मोमेंटम मांग रहा है, ठीक है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड की लैंग्वेज यूनिट्स में बताना है। रिलेटिविस्टिक फैक्ट्स को कैसे कंसीडर करो और रेडियस भी बताओ। अब जनाब काइनेटिक एनर्जी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोल में कन्वर्ट कर लेंगे, पीसी बराबर होता है किसके, के स्क्वायर प्लस 2 के, एमसी स्क्वायर के, एमसी स्क्वायर निकाला जा सकता है कि अभी रेस्ट मास एनर्जी हमें दी गई थी तो 2.85 कैलोरी पर माइनस 10 जोल है। अब इसमें से पीसी में से सी दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमें मोमेंटा निकालना है, तो मोमेंटम आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी भी हमें पता है, देन आपके पास उसका एमसी स्क्वायर भी पता है, वो वैल्यूज प्लेस कर देंगे तो ये 1.9 केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फिर आप रेडियस निकालना है तो गैमा एम वी ओवर क्यू भी आ जाएगा, गैमा आपके पास तो सारे को मोमेंटम कहा जा सकता है, मोमेंटम हमने कैलकुलेट कर लिया, चार्ज भी पता है, आप मैग्नेटिक फील्ड भी दी गई है, 9.90 मीटर का रेडियस होगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, ओके, इंशाल्लाह।